हेलो गाइस, तो हियर इज़ माइक्रोमैक्स इन टू बी। ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है, इसको हम ओपन करने वाले हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या क्या निकलने वाला है। ये हमने ऑर्डर किया था, अबाउट 25 में आ गया था, तो काफ़ी अच्छी सर्विस है वैसे अगर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट की भी। 3 दिन के अंदर फ़ोन डिलीवर हो रहा था तो, लेकिन आज 26 है क्योंकि कल मौसम की वजह से मैंने मना कर दिया था कि भाई आज मत आना, तो आज ये फाइनली डिलीवर हुआ है 26 को, और 22 को शायद मैंने इसको ऑर्डर किया था। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या रहता है इसके अंदर। ये है माइक्रोमैक्स का इन टू बी, जो कि माइक्रोमैक्स ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और सबसे पहले इसके जो कवर है, मतलब बाहर का जो बॉक्स है, इसको हटा लेते हैं। हालांकि ये इसको ओपन कर दिया था ऑलरेडी जो डिलीवरी बॉय हैं उन्होंने, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई ओपन करके दे दो एक बार। तो फाइनली ये इनका बॉक्स किसी काम का नहीं है, इसको साइड में रखते हैं फिलहाल। यहाँ पर कुछ वगैरह एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। इसके बाद हमारा जो मेन बॉक्स है और जो बिल नंबर है वो ओपन होता है। बिलिंग के आधार पर हम बात करते हैं तो ये इसका जो प्राइस है वो 8,499 रुपये के आसपास है, और वही इस समय जो रेट है वो 500 रुपये बढ़ गया था, तो 8,500 का ही है ये। 4+64 GB का वेरियंट है, तो ये हमारा फाइनली बिल हो जाता है। इसको रखते हैं साइड में और अब देखते हैं कि फाइनली बॉक्स के अंदर हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है। और ये सामने की तरफ बॉक्स को देखते हैं, वी आर इन फॉर इंडिया हाउ अबाउट यू, सामने की तरफ लिखा हुआ है। इन टू बी की ब्रांडिंग है, माइक्रोमैक्स लिखा हुआ है कि माइक्रोमैक्स की कंपनी इन ब्रांडिंग के अंदर में काम कर रही है। इस तरफ बॉक्स पर कुछ नहीं है, इस तरफ भी बॉक्स पर कुछ नहीं है, और इस तरफ आपको कुछ डिटेल्स वगैरह दी हैं। IMEI नंबर हैं और इसका मॉडल नंबर वगैरह है वो सब लिखा हुआ है। मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, स्कैन के लिए कोड वगैरह है, और इस तरफ आपको इसकी प्राइस वगैरह, वेट वगैरह, और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं वो सब लिखा हुआ है इसके अंदर। ये भिवाड़ी राजस्थान में मैन्युफैक्चर्ड और पैक भी किया गया है, और ये मेड इन इंडिया है, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। इसके अंदर हमें एक ट्रांसीवर मिलेगा, चार्जर मिलेगा, USB केबल मिलेगी, सिम ट्रे मिलेगी, और सॉफ्ट केस भी है, स्क्रीन गार्ड भी है, यूज़र गाइड भी है। तो सॉफ्ट केस के अंदर, हालांकि माइक्रोमैक्स इन वन में हमें जो विन वन भी था उसमें सॉफ्ट केस नहीं दिया गया था, तो इसको करते हैं अनवील और देखते हैं कि आखिर कैसा रहता है इसका एक्सपीरियंस। तो हल्के 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 हमारा बॉक्स अनवील हो जाता है। सबसे ऊपर हमें दिखता है ये एक्सटेंडेड वारंटी, स्क्रीन डैमेज, एक्सटेंड कवर, वारंटी कार्ड है, इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद तुरंत नीचे हमें लिख जाता है हमारा मोबाइल, काफ़ी सही सा है, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, फिर इसके बाद पहले देखते हैं बॉक्स में क्या है। और इसको जैसे हम ओपन करते हैं ऊपर कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये हमें एक केस मिलता है, साथ में यहाँ पर यूज़र गाइड भी है जिसको शायद ही कुछ लोग यूज़ करते होंगे, ये वैसे किसी काम की होती नहीं है। एक स्क्रीन प्रोटेक्टर अलग से दिया हुआ है और एक ये केस दिया हुआ है, और केस की अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो आई थिंक काफ़ी सॉफ्ट केस है, और इसको लगाने के बाद देखेंगे कैसा लगता है हमारा मोबाइल। और स्क्रीन प्रोटेक्टर का भी बाद में यूज़ करेंगे, इसको रख लेते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर सिम इजेक्टर पिन होनी चाहिए, जी हाँ सिम इजेक्टर पिन भी है इसके अंदर, इसका भी यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा फ़ोन है उसको क्या मिला हुआ है, यानी कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट है या फिर मिलते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट। तो चलिए इसके बाद हमारे पास एक केबल है जो कि टाइप सी होनी चाहिए, तो आई थिंक ये टाइप सी ही है, जी हाँ ये टाइप सी केबल हमें देखने के लिए मिली है, इसको भी रखते हैं साइड में। और फिर यहाँ पर हमें ये चार्जर मिला है, और इसके अंदर ये चार्जिंग एडेप्टर भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, इसको रखते हैं साइड में। तो सारा कंटेंट साइड में रख देते हैं और अब हम अपना जो मेन कंटेंट है उसकी तरफ फोकस करते हैं, और ये हमारा मेन कंटेंट है, इसको रखते हैं साइड, ये हमारा मेन कंटेंट है। तो फाइनली फर्स्ट लुक हमारे सामने इसका आने वाला है, वो काफ़ी टाइट पैकिंग है, इस टाइप से हमने इसको ओपन किया, और आई थिंक फ़ोन काफ़ी हैंडी है। मतलब अगर आप देखें पीछे की तरफ ब्लैक कलर है, मैंने ये ब्लैक कलर वाला ही ऑर्डर हो रहा था, दूसरा वाला ग्रीन वाला सब आउट ऑफ स्टॉक आ रहे थे, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी सही लगी मुझे। सनराइज से डिज़ाइन है, हल्के ऊपर जो फिंगरप्रिंट वगैरह है ये बैक साइड में दिया हुआ है, और ये आपको डुअल कैमरे का सेटअप है, नीचे फ्लैश है, लगता है ट्रिपल कैमरे की तरह है, और ये प्लास्टिक ही है, पॉलीकार्बोनेट की बैक है। स्पीकर्स यहाँ पर हमें पीछे की तरफ दिए हुए हैं, इनकी ब्रांडिंग है, और इसको भी हम साइड से हटा देते हैं एक कंप्लीट लुक के लिए। बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक एडहेसिव लगा हुआ है जो छूट तो नहीं रहा, तो फिलहाल इसको अभी छुटाते नहीं हैं, बाद में ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी ये हल्की सी अपनी जो चिपकन है वो छोड़ देगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट मुझे लग रहा है। सामने की तरफ करते हैं इसको ऑन और देखते हैं कि आखिर फ़ोन में हमें क्या मिलता है। तो फाइनली इनकी ब्रांडिंग स्टार्ट होते ही, पावर्ड बाई एंड्रॉयड,
फ़ोन देखने में काफ़ी सही लगता है। इस तरफ जब तक कि बूट होता है, बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स की, तो पीछे की नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर हमें 3.5 mm का जैक, और ये माइक है, और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस तरफ पावर बटन है, और ये हमें मिल जाते हैं यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। इस तरफ है हमारी सिम ट्रे, तो चलिए फिर इस सिम ट्रे को भी देखते हैं कि आखिर इसके अंदर डेडिकेटेड है। जी हाँ, ये हमारी डेडिकेटेड सिम ट्रे हमें देखने के लिए मिली है, तो हाइब्रिड नहीं है, लेकिन आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो दैट्स इट। और ये हमारा लगभग स्टार्ट हो चुका है, लैंग्वेज वगैरह हम सेट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। वाइट कर देते हैं, और ये फाइनली ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट लुक इस टाइप का है, ऊपर की तरफ हमें दिखती है नोच हल्की सी, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। बेजल्स यार इतने नहीं लग रहे, तो काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर ऐप्स बिल्कुल भी ब्लोट वेयर नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी कि इसके अंदर ब्लोट वेयर नहीं है, कम्प्लीटली ये स्टॉक एंड्रॉयड है, और काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड, और इस प्राइस में अगर आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, कोई एड्स नहीं मिलते, कोई अनवांटेड ऐप नहीं मिलती, जितने भी ऐप्स हैं सब सिस्टम ऐप्स हैं, आपको किसी को भी इसमें से अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। साउंड रिकॉर्डर मिल जाता है, वॉइस सर्च है यूट्यूब वाईटी म्यूज़िक, और यहाँ पर फाइल्स भी हैं, गूगल की फाइल्स कॉन्टैक्ट वगैरह सब, और गूगल डायलर तो है ही, जाहिर सी बात है। तो आपको अगर रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं आवाज़ की, किसी की वॉइस कॉलिंग की, तो फिर आपको पता लग ही जाने वाला है कि भाई आप उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कर रहे हैं दूसरे बंदे को। तो इसीलिए यहाँ पर ये थोड़े से होते हैं इसके डिसएडवांटेज। यहाँ सिस्टम अपडेट की हम बात करते हैं, तो अपडेट टू एंड्रॉइड 11 है इसके अंदर, डिवाइस नेम इन टू भी है, और यहाँ पर अपडेट है, यहाँ पर हमारा एंड्रॉइड वर्जन नो प्रॉब्लम, एंड्रॉइड 11 है इसके अंदर अवेलेबल। एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर 5 जुलाई का है, तो जुलाई का है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, अभी अगस्त चल रहा है तो बिल्कुल लेटेस्ट है, ऐसी कोई बात है नहीं, काफ़ी ज़्यादा सही मुझे ये चीज़ लगी। और इसके अंदर हम देख लेते हैं कितनी रैम वगैरह है, कितनी फ्री मिली है हमें, तो यहाँ पर हमें 54.51 GB अवेलेबल है 64 GB में से, और 4 GB की इसके अंदर रैम है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पर हमारा फाइनली ये जो फ़ोन है वो सेटअप हो जाता है, और ये चलाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है इस समय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अगर हम कैमरा की बात करते हैं, तो यहाँ से हम कैमरा ओपन कर लेते हैं, और इसको हम जो कैमरा का अगर हम देखें कुछ फर्स्ट लुक, हालांकि ये सिर्फ फर्स्ट लुक ही है, इसके बाद आपको एक जो कंप्लीट रिव्यू है वो बाद में मिलेगा, फिलहाल मैं आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो शो कर दे रहा हूँ। तो आई थिंक ये हम इंडोर शूट कर रहे हैं, इंडोर के हिसाब से मुझे क्वालिटी काफ़ी सही लगी है, इतनी बुरी क्वालिटी हम नहीं कहेंगे, ये काफ़ी सही है। और फ्रंट कैमरा भी इसके अंदर आपको मिलता है 5 MP का, जो रियर कैमरा है इस तरफ ये 13 MP का एंड 2 MP का है, और ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसकी स्पीड मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार, तो फिर से अनलॉक, आप आवाज़ देख रहे होंगे, और ये लॉक, मतलब काफ़ी सही स्पीड है प्राइस के हिसाब से कंसिडर करें तो। और सेल्फी कैमरा भी इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है 5 MP का। कैमरा के रिजल्ट देखें तो कैमरा ठीक है, डिसेंट सा है इस प्राइस के हिसाब से। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 8,499 है 4+64 GB का, और एक 6+64 GB है उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ चुकी है, तो वो भी लगभग 9,499 रुपये हो चुकी है। और ये मुझे काफ़ी स्मूथ लगा, स्टॉक एंड्रॉयड है तो ये काफ़ी सही चीज़ है, और यहाँ पर आपको इस प्राइस में स्टॉक एंड्रॉयड बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। इसके बाद इसको हम लगाते हैं इसके अंदर, तो कवर के अंदर लगा देते हैं, तो ये अच्छी बात है कवर्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो आपको कवर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, और कवर्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इस पर फिट बैठता है, और कवर लगने के बाद भी फ़ोन काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले है इसके अंदर, IPS LCD है, नोच ऊपर दिखती है, और आउटडोर में ये ब्राइटनेस काफ़ी ठीक है, क्लियरली विजिबल होता है। पीछे की तरफ जो अब नीचे की तरफ हमें इसका जो स्पीकर है वो देखने के लिए मिलता है, इसकी आवाज़ टेस्ट कर लेते हैं एक बार।
सिंगल स्पीकर होने के बावजूद डिसेंट सी आवाज़ है इस प्राइस रेंज में कंपेयर करें तो। इसके अलावा गेमिंग हमने थोड़ी खेल के देखी, BGMI इसके अंदर प्ले किया तो काफ़ी सही था गेम प्ले, इसके अंदर मुझे लगा इतने लैग्स वगैरह नहीं दिखे, ठीक ठाक थे। मतलब अगर आप इस प्राइस में कंपेयर करते हैं तो ऐसा गेम प्ले ही शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छे गेम प्ले की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर हम कहें अंडर 9000 बेस्ट गेमिंग फ़ोन कह सकते हैं आप, क्योंकि प्राइस भी हम देखें तो 9000 में आपको क्या ही मिलता है। तो हमने यहाँ पर दो बोट्स को मार के उनकी क्रेट लूट ली है, लूटना गंदी बात है बट हम फिलहाल ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एक गेम का पार्ट है और ये वर्चुअल गेम है, रियल नहीं है, ऐसा गेम वाले खुद भी बोलते हैं। बात करते हैं ग्राफिक्स की, इसकी सेटिंग की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मूथ में हमें अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है, बैलेंस में भी अल्ट्रा का मिलता है और HD में जाकर के हमें तब जाकर के जो ऑप्शन है वो हाई का मिलता है। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सही है क्योंकि इसके अंदर यूनिसॉक का T610 है जिसके अंदर दो कोर्स मिलती हैं कॉर्टेक्स A75 की, जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर देती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर हमें गेमिंग के लिहाज से फ़ोन काफ़ी सही देखने के लिए मिलता है 4GB रैम 64GB वेरियंट में। तो ये थे हमारे फाइनली जो हमारा अनबॉक्सिंग था और फर्स्ट व्यू था, फर्स्ट इंप्रेशन थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगी। इसके बारे में क्विक रिव्यू तो मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है कि फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में। इसके अलावा एक फुल रिव्यू आपको बहुत जल्दी मिलेगा, लगभग 4 से 5 दिन के अंदर इसको मैं यूज़ करने के बाद आपको बताऊँगा कि फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें इनमें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है और क्या आप इस फ़ोन को फाइनली ले सकते हैं अंडर 9000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।